हे गाइस व्हाट्सअप नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक बार नई फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, जबरदस्त अपनी मनचाही जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। जो लोग आज पहली बार दिख रहे हैं, मेरा नाम है कौशल। अभी आप है यूट्यूब पेज की गोरखा रिएक्शन चैनल पे। अगर आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो के ऊपर इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो का अंत तक देखना आपको और भी अच्छा लगता है। प्लीज लाइक करिए, लाइक करने से क्या होता है कि हौसले बुलंद हो जाती है और भी अच्छे करने का मन करता है। सो प्लीज लाइक करिए। आपको कोई भी लिंक भेजना है, कोई भी चीज़ शेयर करना है तो नीचे कमेंट पे भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भी आप कुछ भी पूछना है, कुछ भी शेयर करना है, सजेस्ट करना है तो वहाँ पे जाके भी शेयर कर सकते हो। सो ये चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके जरूर चेक करिए। ये चैनल भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाती है। सो चलिए बिना किसी देर के वीडियो के ऊपर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिछले टाइम के बहुत सारे वीडियो में प्यार देने के लिए। ऐसे प्यार देते रहे और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। सो फटाफट से थोड़ा सा वीडियो देखते हैं कैसा है क्या है। और बहुत ही लाजवाब वीडियो है, मैंने इसका नाम सुना था तो मैंने गूगल में सर्च किया तो अमेजिंग में सरप्राइज हो गया कि ऐसे जगह भी वहाँ पे है। सो चलिए इसके ऊपर वीडियो देखते हैं, अमेजिंग वीडियो आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अंत तक देखेंगे तो ज़बरदस्त लाजवाब मज़ा आने वाला है। ये एक ट्रैकिंग वीडियो है। सो वीडियो की टाइटल है देवता कुंड। सो देवता कुंड एक बांग्लादेश की बहुत ही पॉपुलर जगह है। वहाँ पे जो देव देवी है और ईश्वर भगवान की जो बास है वहाँ पे है बोलते हैं, और वहाँ के जाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है। सो कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ पे है, कैसे नज़ारे हम लोग को देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। सो ये बांग्लादेश के अंदर आता है, चिटोंग डिवीजन के अंदर आता है। सो देवता कुंड इसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट है। सो डिस्ट्रिक्ट इसका है बंद्राबन। सो बंद्राबन इसका डिस्ट्रिक्ट है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन तकरीबन 4 लाख के करीबन है, 3,90,000 की पॉपुलेशन है। सो ऑब्वियसली आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो प्लीज जाके विजिट करिए, बहुत ही लाजवाब जगह है। सो कहाँ पे हो गया। सो अभी देखते हैं वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अंत तक देखेंगे। सो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1। সে আপনার এখানে জিম জিম ছিল, তো এই জিমকে আমরা বলি দেবতা। এই আপনাদের বাঙালি ভাষায় বলে জিম। খুবসুরত यार পাহাড়ের এই মানুষগুলোর বিশ্বাস এখানে দেবতার বসবাস, তাই তারা এই খুমের নাম দিয়েছে দেবতা খুম। বান্দরবনের রোয়াংছড়ি উপজেলার এই খুম নিয়েই আমরা সাজিয়েছি আজকের পর্ব। দেবতা খুম যাওয়ার নতুন নিয়ম কানুন এবং কোথায় কি করতে হবে তার ডিটেলস জানিয়ে দেব আজ। So most important चीज़ है कि वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे ऐसे procedure हैं, आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे जाती বান্দরবন শহর থেকে মাত্র 19 কিলোমিটার দূরে রোয়াংছড়ি উপজেলায়। শহর থেকে রোয়াংছড়ি যেতে সময় লাগে বড়জোর 1 ঘন্টা। আমরা ট্রিপ মেম্বার 5 জন, তাই বান্দরবন শহর থেকে কচ্ছপতলী পর্যন্ত সিএনজি অটো রিজার্ভ করে ফেলি 800 টাকায়। শহর থেকে 5 কিলোমিটার যাওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণের জন্য রামজাদি দেখতে গাড়ি থামাই। যারা দেবতা খুম ভ্রমণে যাবেন তাদের বলবো যাত্রাপথে 30 মিনিটের জন্য এই অসাধারণ সুন্দর মন্দিরটি দেখে যান। রামজাদি দেখে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম রোয়াংছড়ির উদ্দেশ্যে। গাড়ি থেকে নেমে পারমিশন নেওয়ার জন্য আমরা চলে এলাম রোয়াংছড়ি থানায়। প্রত্যেকের এনআইডি কার্ডের ফটোকপি এবং একটি ফর্ম পূরণ করে আমরা অনুমতি পাই দেবতা খুম যাওয়ার এবং যাত্রা শুরু করি কচ্ছপতলীর উদ্দেশ্যে। 20-30 মিনিটের এই রাস্তা আশেপাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কবে শেষ হয়ে যাবে বুঝতেই পারবেন না। জবরদস্ত
পৌঁছে গেলাম কচ্ছপতলি। এইবার লিরাগাও আর্মি ক্যাম্পের রিপোর্ট করার পালা। বলে রাখি, দেবতা খুন যাওয়ার জন্য এই ক্যাম্পে একবার রিপোর্ট করতে হয়। এখন আমরা কচ্ছপতলি থেকে শিলবান্দাপাড়ার দিকে যাচ্ছি, আর এখান থেকে শিলবান্দাপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দুটো ট্রেইল আছে, একটা পাহাড়ি ট্রেইল আর একটা ঝিরি ট্রেইল। আমরা আজ যাচ্ছি ঝিরি ট্রেইল ধরে, কারণ ঝিরি ট্রেইলের একটা সুবিধা সেটা হলো এখানে তেমন একটা পাহাড় মারাতে হয় না, খুব ইজিলি যাওয়া যায়, আর ঝিরির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলে যেতে পারবেন খুব ইজিলি। আর পাহাড়ি ট্রেইলে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে বন্য একটু পরিবেশ পাবেন, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা পাহাড় টপকাতে হবে। সো যাদের ফিটনেস ভালো তাদেরকে বলবো আমরা ওই পথ ধরে যাবো, তবে মনে রাখবেন বর্ষাকালে কোনোভাবেই এই ঝিরি পথ ধরে যাওয়া যাবে না, ওটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হবে। छोटे से ट्रिक करना बहुत ही मजाक है यार, कभी कभार ऐसे हम लोग जाते हैं ना तो फिटनेस भी होती है, उसके बाद आपका जो शिलबान्दापाड़ा पहुंचाते अमेजिंग होता है। 40 মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে, আর যদি আপনার ফিটনেস খুব বেশি ভালো না হয় সেক্ষেত্রে সময় লাগতে পারে প্রায় 1 ঘন্টার মতো। আমরা যদি পাহাড়ি ট্রেইল ধরে আসতাম তাহলে এই যে উপরে যে ট্রেইলটা ওই ট্রেইল ধরে আসতে হতো আমাদেরকে, এই পাহাড়টা টপকাতে হতো, কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে না এসে আমরা এসেছি এই যে ঝিরিটা ধরে, যার কারণে আমাদের অনেক কম সময় লেগেছে এবং কষ্টও কম হয়েছে। তাই আমি বলবো যদি বর্ষাকাল না হয়ে অন্য কোনো সময় হয় তাহলে এই ঝিরি ধরে আসতে পারেন, এটা অনেক সুইফট হবে এবং কষ্ট হবে অনেক কম। আমরা এখন শিলবান্দাপাড়ার কাছাকাছি, এই যে এই পাড়াটাই হচ্ছে অল্প কয়েকটা ঘর। এই পাড়ার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে এখানে একটা ঝর্ণা আছে শিলবান্দা ঝর্ণা বলে, আর এখান থেকে 10-15 মিনিট গেলেই দেবতা খুম। এই পাড়ার লোকসংখ্যাগুলোর সাথে কথা বলে আমি যতটুক জেনেছি শিলবান্দাপাড়া হওয়ার পেছনে মূল কারণটা হলো এখানে পাশ দিয়ে যে ঝিরিটা চলে গেছে এই ঝিরিতে অনেকগুলি শিলপাথর আছে, সেজন্য এই জায়গার নাম হচ্ছে শিলবান্দাপাড়া। শিলবান্দাপাড়ায় কিছু সময় কাটিয়ে আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। মনে রাখবেন দেবতা খুম যেতে লাইফ জ্যাকেট ও ভেলার ভাড়া বাবদ জনপ্রতি 150 টাকা খরচ হবে। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে অবশ্যই খাবারের অর্ডার দিয়ে যাবেন। শিলবান্দাপাড়ায় ট্যুরিস্টদের জন্য এখন অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা আছে, বিশেষ করে আগে এখানে খাবার দাবারের কিছু সমস্যা ছিল, এখন ওই প্রবলেমটা নেই। একটা খাবার হোটেল হয়েছে, খাবারের মান মোটামুটি, তবে প্রাইসও একদম কম না, 200 টাকা পার মিল। আর খুমে যাওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আগে নৌকা ছিল না, আগে ছিল শুধু ভেলা, এখন দুই ধাপে নৌকা আছে। সো অনেকটা পথ হাঁটতে হয় না, সামান্য একটু হাঁটতে কিন্তু দেবতা খুম পৌঁছে যাওয়া যায়। যে নৌকাটি দেখছেন সেটি আমাদের জন্য অপেক্ষমান। এই নৌকা আমাদের নিয়ে যাবে দেবতা খুমের শুরু পর্যন্ত। जा रहे हैं ना, वो दिल को एकदम दिल जीत लिया।
নৌকা থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে আমরা মূলভূমি প্রবেশ করলাম। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে রাখা আছে নৌকা এবং অনেকগুলো ভেলা। পছন্দ অনুযায়ী আমরা কেউ উঠলাম ভেলায়, আবার কেউ উঠলাম নৌকায়। আর কথা না বাড়াই, দেখতে থাকুন প্রকৃতির এই অপূর্ব সৃষ্টি। দেবতা কুম আসার মেইন রিজন হলো ডিসেম্বর থেকে বা ডিসেম্বরের পর থেকে দুই এক মাস যে কোনো কুমের পানি থাকে নীলাম, পানি থাকে স্বচ্ছ, কারণ যেহেতু বৃষ্টিপাত হয় না দুপুর থেকে ঘোলা পানি নামে না, তো কুমের পানিগুলি হয় অনেক সুন্দর। আসলে এই সৌন্দর্যটা দেখার জন্যই কিন্তু আবারও দেবতা কুম আসা। सो वीडियो इतना ही था, सो प्लीज़ जाके इनकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अमेजिंग अमेजिंग वीडियो वहाँ पे आपको मिल सकता है। सो प्लीज़ जाके चेक इन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ जाके चेक इन करिए। अमेजिंग यार, जितना तारीफ किया जाए, जितना बयां किया जाए, उससे कहीं ज़्यादा सा। और दूसरी चीज़, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों के अंदर का जो विश्वास होते हैं ना, और जो हम लोग यकीन रखते हैं किसी भी चीज़ पे, तो अगर हम शिद्दत से कोई चीज़ को वो करते हैं तो ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ हम लोग को दिखते हैं। और जहाँ तक यहाँ पे बताया गया है कि लोग की जो विश्वास है यहाँ पे, पहले हर जगह पे एक एक हमारी वहाँ पे भी क्या होता है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ बैठा रहता है, सो ऑब्वियसली हम लोग यकीन रखते हैं ये सारी चीज़ों में। सो इसके बावजूद भी लोग उसके रेस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर स्वच्छ रखते हैं। और वो जगह भी ऐसी खूबसूरती से भरा हुआ था, ये जगह मैं क्या बताऊँ यार, मैंने देखा तो नहीं था इससे आगे ऐसी जगह, क्योंकि दोनों तरफ पत्थर ही पत्थर था, उसको बीच को जैसे लग रहा था काट के उसको शेप दिया गया था, लेकिन वो नेचुरली है बता रहे। अमेजिंग यार, और जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है तो थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी आप मुकाम पर हासिल कर सकते हो। यहाँ पे जो बांद्रा जो शहर थे उससे तकरीबन 19 किलोमीटर दूर थे यार, और आप रिक्शा करके जा सकते हो, ऑटो रिक्शा, तो उसके बाद थोड़ा सा पैदल जाना तो पड़ेगा ही। सो अमेजिंग था, जितना तारीफ़ किया जाए, जितना बयां किया जाए वो उतना कम होती है। और जिस हिसाब से प्रोसीजर रखे थे कि आर्मी को भी वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है, दूसरी बात जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ है वो और फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ताकि क्या होता है कि हमारे सेफ्टी के लिए बेसिकली होते हैं, क्योंकि कोई कई लोग होते हैं कुछ सिचुएशन की वजह से वहाँ पे ऐसे स्टे टाइम होते हैं कि वो लोग रिटर्न नहीं आ पाते हैं या क्या होते हैं, तो उसके लिए इजी से हम लोग ढूंढ भी सकते हैं। और दूसरी चीज़, उनका जो इन्फॉर्मेशन है ए टू जेड वहाँ पे मिल जाती है, सो ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, कंट्री सेफ के लिए भी, वो जगह को सेफ रखने के लिए भी ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंस होती है। सो ये बहुत ही ग्रेट जॉब है, ऐसा हर जगह होना चाहिए, हालांकि वहीं नहीं, हर जगह पर, हर
एरिया पे होना चाहिए। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको नेगेटिव पे तो लेने की बात आते ही नहीं, और ये इम्पोर्टेंस भी है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। सो अमेजिंग व्यू आज हम लोग को देखने को मिला बहुत टाइम बाद। सो लास्ट टाइम हम लोग ने पेशावर की देखी थी, वो भी कमाल की व्यू थी। और भी ज़्यादा यहाँ पे स्टोरी बताई गई कि ट्रैवल ब्लॉग हम लोग को देखने को मिला। सो अगर आप लोग को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो प्लीज़ जाके देवता कुंभ जाके विजिट करिए, अमेजिंग प्लेस लगा मेरे को। ऑब्वियसली इफ आई विल कम देयर सो आई विल बी वांट टू ट्रैवल एच एंड एवरी प्लेस। सो आई एम प्लानिंग टू टेक द मोर द वैकेशन, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। सो एक दूसरा चीज़ मैं बताने वाले थे कि जो न्यू गुड न्यूज़ आप लोग को देने वाले हूँ। सो मैं सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से, हालांकि अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। सो मैं क्या बोलने वाला था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी YouTube पे टोटली फोकस करके उसमें ही काम करूँ। सो आप लोग को क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये अच्छा होगा या जॉब भी साथ साथ करना चाहिए, या YouTube पे फुल टाइम फोकस करने से भी अच्छे हो जाएगा। सो आपके क्या राय है, सो आपका क्या सजेशन है, प्लीज़ नीचे कॉमेंट पर ज़रूर बताइए क्या करने से बेहतर होगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ज़बरदस्त एक चैनल बनाने वाला हूँ, दूसरा सोच रहा था। ऑब्वियसली मैं जल्द से जल्द, अगर ये सारी चीज़ अच्छे से चलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे ही दूंगा। सो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है मैं किसी भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता नहीं चलने वाली है, तो वो दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भी देखते रहे, हम हमारे बाकी सारे वीडियो पड़े हुए सो उसको देखिए, लुत्फ़ उठाइए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हंसते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।